भाव परम पूज्य गुरु महाराज का अवतरण पर्व मनाए। जो सदगुरु हैं वो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि गुरु एक परम ईश्वरीय शक्ति है और वो अपनी अपार दया से पतित और माया में फंसे जीवों के उद्धार के लिए अवतरित होती है और वो लोगों के ज्ञान चक्षु खोल उनको शुद्ध और पवित्र बनाकर अपनी ओर आकर्षित करती। जैसा अभी हम सुन भी रहे थे और ये कार्य हर काल में चलता रहता है और ये गुरु शक्ति निरंतर कार्य करती रहती है और इसको हम स्थूल नेत्रों से देख भले ही ना पाए। शास्त्रों में गुरु के लिए बताया गया है कि जिस मनुष्य में सादगी और सच्चाई हो और जिसकी हर बात प्रभावशाली और दिल पर असर करने वाली हो और जो शास्त्रों की पूर्ण बातों को सरलता से बता सके कि अनपढ़ और मूर्ख लोगों को भी समझ में आ सके और जो अपने ख्याल मात्र से दूसरों के मल विक्षेप और आवरण को दूर कर सके और जिसके पास बैठते ही बुरे विचार हटते जाए और बुरी आदतें छूटती जाए और जिसके स्थान पे पहुंचते ही हमें शांति और आनंद की प्राप्ति हो और जो शोक और मोह से परे और जिसका आचरण धर्म के विरुद्ध ना हो और सबसे प्रेम और बराबरी का व्यवहार करता हो, संस्कृत भाषा में उसी को गुरु कहते हैं। परंतु छोटे भैया ने ध्यान के साथ साथ चिंतन को भी बहुत आवश्यक बताया। ये कहा है कि ध्यान तो सुबह शाम करना होता है और उसके अलावा जब भी कभी फ्री समय हो तो उस समय चिंतन करना। चिंतन के महत्व के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने रैदास जी के जीवन की एक घटना बताई कि रैदास जी जाति के चमार थे, जूते बनाने का कार्य करते थे और वो भिक्षा नहीं लेते थे और दूसरों की कमाई का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहते थे, इसलिए स्वयं जूते बनाने का कार्य जारी रखते थे। उनकी झोपड़ी के बाहर एक छप्पर था, वही उनका सत्संग भवन था और वही उनकी जूता बनाने की फैक्ट्री थी और वही कोने में भगवान का सिंहासन था और वही उनका मंदिर था। तो काशी में रैदास जी की ख्याति फैल चुकी थी। एक दिन एक धनी सेठ को रैदास जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। शाम को सत्संग चल रहा था, आसपास के चमारा जी लोग उस तरह के लोग ही बैठे हुए थे। वो धनी सेठ भी एक कोने में बैठ और सत्संग चलता रहा और वहां पर अपूर्व शांति और आनंद प्राप्त हो रहा था। और इसको गुरु महाराज ने बताया कि जैसे कबीरदास जी की वाणी है कि नीच नीच सब तर गए हरि चरण लो लीन, जाति के अभिमान में ही रह गए सकल कुलीन।
तो जो धनी सेठ था उसको भी एक अलग आनंद आ रहा था, लेकिन वो जाति और जन्म से ऊपर उठकर आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा था और अपने छुआछूत को अपने बगल में दबाए बैठा। जब सत्संग समाप्त हुआ तो रविदास जी ने प्रसाद ही बांटने को कहा, तो जो चमड़ा गलाने का पानी था उसी में से एक जूते में पानी भरकर सबको बांटा। अब सेठ की बारी आई तो सेठ ने ली तो लिया, अपने मुंह तक भी ले गए लेकिन उसको पीछे फेंक दिया। उसकी कुछ बूंदे उनके वस्त्रों पर पड़ गई, उन्होंने उसे धोबी को दिया तो धोबी ने उसको छुड़ाना चाहा, वो नहीं छूटे। उस धोबी ने चूस चूस कर उस गांठ को छुड़ाया और जब वो लेके आया तो उसने सेठ जी को धन्यवाद दिया कि आपके वस्त्रों पर किस वस्तु के दाग थे उसको चूस के मैंने साफ किया तो मेरी तो अंतरात्मा ही पवित्र हो गई, मेरे को तो अलौकिक आनंद आ गया। तब तो सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर वो वापस से रविदास जी के सत्संग पहुंचे और सत्संग के बाद जब परसादी नहीं बटी तो उन्होंने पूछा कि आज चरणामृत नहीं मिलेगा क्या? तो रविदास जी बोले, वो तो समय की बूंदे थी, उस समय भगवान की कृपा बरस रही थी, तुमने ग्रहण नहीं की और तुम रह गए। तो परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि ये जो भगवत कृपा है वो हर समय नहीं बरसती, उसका कोई समय नियत नहीं, वो तो जब भगवान की मौज आती है तब वो फैज बरसता है। इसके उन्होंने दो कारण बताए हैं कि पहला तो ये कि कृपा करने का कार्य उन्होंने स्वयं अपने पास रखा है और किसी दूसरे मनुष्य को उसका अधिकार नहीं है, और दूसरा कि साधक अगर मार्ग में ही आनंद में पड़ा रहेगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब साधक का ध्यान बराबर नहीं लगता, आनंद जाता रहता है तो वो घबरा जाता है और मेहनत करता है कि उसे फिर से प्राप्त कर सके और इस प्रकार वो आगे बढ़ सके। एक बार परम पूज्य गुरु महाराज पंडित जी महाराज और कुछ सत्संगी भाइयों के साथ वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर गए तो वहां पर एक चित्र पे राधा रानी जी अपने गीले बाल सुखा रही थी, उनके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी और नीचे एक पपीहा अपनी चोंच खोले एक टक उनकी तरफ देख। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि ये पपी है जीव और ये जो पानी की बूंदे उनके केश से गिर रही है वो भगवत कृपा है, तो अगर पपी है की तरह एक तक दृष्टि रखकर गुरु या ईश्वर की ओर अपने सुरती की धार रखी जाए तो हमें वो फैज प्राप्त हो सकता है।